जो है मतलब एकदम कढ़ चुकी है और ये मांग रहा है कि आप मुझे इसमें दूध डाल दो ताकि चाय जो है एकदम परफेक्ट रेडी हो जाए। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं दूध। तो देखिए कलर कैसे चेंज हो गया इसका। और हालांकि दूध जो है ना अभी डायरेक्ट मैं फ्रिज से लेके आई थी, इसलिए थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग विद बत्तख चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन में, मतलब किचन में क्या करूँगी कि मतलब रोटी बना रही हूँ, लोई बना रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो और सब, और एक साइड मैंने दूध रख दिया है दूध पकने के लिए। तो मैं मंजन कर रही थी और मेरा दिमाग जो है दूध पे लगा हुआ था। देखिए एकदम बिल्कुल एकदम, ये थोड़ा सा अगर मैं इसमें चूकती हूँ तो ये दूध जो है भगोने से बाहर आ जाएगा। देखिए किस तरह से फूल रहा है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं, रिस्क ले लेंगे ना तो पता चले चूल्हा वूल्हा जो है सब ख़राब कर देगा। फिर उसके बाद मेरे मुझे मतलब डबल से मेहनत करनी पड़ेंगी। और भी कड़ गया है, दूध भी पक चुका है, बस हम चावल चढ़ा देंगे। चावल चढ़ाने की श्रेया को लेके चले गए हैं उनका एडमिट कार्ड दिलाने के लिए। और वैसे उनका मन रहा था कि साइकिल से वो जाएँ। और आज मेरा बेटा कितना खुश है जानते हैं? किस लिए खुश है? खुश इसलिए है कि कल वो जाएंगे मतलब अपने पापा की गाड़ी लेके कॉलेज, और सबसे पहले वो मंदिर दर्शन करेंगे। वैसे तो आज जाते, कल गाड़ी की धुलाई उलाई खूब अच्छे से करिए कि मैं कल कॉलेज लेके जाऊंगा, फर्स्ट डे मतलब कॉलेज लेके जाऊंगा। हालांकि गाड़ी इलाहाबाद लेके जाते थे लेकिन कॉलेज कभी नहीं गए थे। और इसकी खुशी के राज क्या है? राज ये है कि उनका जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी लर्निंग ही है बट ये है कंप्लीट हो गया है। तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मैं गाड़ी लेके जाऊंगा और वो भी रॉयल। तो अब मतलब आज अभी जा रही थी श्रेया तो कह रही थी मम्मी मैं साइकिल से चली जाऊंगी। तो मैंने कहा धूप बहुत तेज़ है, आप भैया के साथ चले जाओ। और वो कॉलेज के लिए तैयार हो चुके थे, खाना वाना उनका हो गया था। तो कहने में मतलब साइकिल से जाऊंगी, ये जल्दी जल्दी करेंगे। अभी हेयर वॉश करी थी, फिर वो रुके थे, फिर लेके गए। मतलब होता है ना, एक खुशी अलग सी होती है। और बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे हमारे परिवार पे, और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे बच्चे और हस्बैंड सब लोग सकुशल रहें। और आप लोग भी अच्छे से हंसते मुस्कुराते अपने फैमिली के साथ एकदम हैप्पी रहिए। बस यही भगवान से प्रार्थना है मेरी। तो अभी मेरा जो काम है, रोटी मैंने बना लिया है, मतलब पूरा काम हो गया है। बेटे जी खा लिए हैं, श्रेया अभी ना खाए चली गई है। अभी वो आएगी 10 बजे, उसका स्कूल जो है बहुत पास में है तो ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो वो वापस आएंगे, फिर खाना हम लोग साथ में खाएंगे। और अभी मेरा ना जो है जो भी काम बेसिंग वेसिंग की साफ़ सफाई करनी है, मैंने किचन का नल जो है धुल लिया है, बेसिंग की जो साफ़ सफाई है वो मैं करूँगी। उसको क्लीन करने के बाद मैं नहा के पूजा वूजा कर लूँगी। तब तक तो श्रेया आ ही जाना है। तो चलिए बातें ख़त्म नहीं होंगी, बातें का कोई और छोर नहीं है। और आप समझ ही गए होंगे कि बात तक कभी ख़त्म। बड़ी वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, छोटी सी शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक यू।